हेलो एंड वेलकम टू टीवी विंडो। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब सामने आएगा 6 महीने पुराना सबसे बड़ा सच। क्या आद्या मर चुकी है? क्या आद्या नहीं है इस दुनिया में? अंकुश ने जो बोला है अनुज को, क्या वही सच है? पूरी खबर आपको हम बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बता दें कि सीरियल अनुपमा में अनुज ने अनुपमा को बोल दिया है कि आद्या मर गई है, भगवान के पास चली गई है। लेकिन अनुपमा एक माँ है और माँ कैसे मान ले यह बात, और यह बात कैसे मान ले कि जो अंकुश ने बोला वह सच है। और दोस्तों, अब खुलेगा अतीत का सबसे बड़ा रहस्य। जी हाँ, असल में अनुज को पागल करने के लिए, अनुज के दिमाग को घुमाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया। वेल, आपको बता दे कि अनुज को अंकुश ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें आद्या को उसको मरा हुआ दिखाया गया है, लेकिन असल में अंकुश ने आद्या को अपने पास रखा हुआ है। अंकुश ने आद्या को अमेरिका में रखा हुआ है और वह उसकी बीवी यानी कि बरखा दोनों एक साथ मिलकर यह पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे अनुज पागल हो जाए और वह यह पूरे के पूरे जायदाद उनके नाम कर दे। और ऐसे में अनुज सच में पागल हो गया। उन्होंने अब पूरा मॉडर्न वीडियो अनुज को दिखाया जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि तुम्हारी आद्या मर चुकी है और यह रही उसकी अस्थियां। अस्थियां जो दी गई अनुज को वह भी आद्या की नहीं थी। अब ऐसे में यहां पर अनुपमा पता लगाएगी सच्चाई और उसे पता चलेगा कि अंकुश और बरखा ने मार पीट के आद्या को अमेरिका में रखा हुआ है और उससे यह कह दिया है कि अनुज का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें अनुज मर चुका है जबकि अनुज जिंदा है। और दोस्तों, यह पूरा का पूरा खेल पैसे के लिए, जायदाद के लिए रचा अंकुश और बरखा। वेल, क्या कहेंगे आप इस पूरी बात का? पर्दाफाश अनुपमा करेगी, अनुपमा दिलवाएगी अनुज और अपनी बेटी को इंसाफ, अनुपमा सामने लाएगी सच्चाई। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।